अपने तैयारी के बारे में अपने रूममेट तक को मत बताओ, किसी को मत बताओ, अपने दोस्तों को मत बताओ, पड़ोसी को मत बताओ, रिश्तेदार को मत बताओ। इनफैक्ट घर भी जाओ ना, कोई पूछे यहाँ क्या कर रहे हो, अरे घूमते हैं यार, और कुछ नहीं करते हैं दिल्ली में। और सीधा जिस दिन यहाँ पे सीजल का रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब आपके नाम के आगे एक्साइज इंस्पेक्टर देखेंगे, बोलेंगे अरे बाबर इनका लड़का तो तोफ नहीं। जीवन में याद रखना, कभी भी कि अगर सफलता प्राप्त करनी है ना, कभी भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कभी भी अपने परछाई तक को पता मत लगने दो यहाँ पे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होने वाला है। पढ़ाई करना और पढ़ाई करके ढिंढोरा पीटना तो बहुत दूर की बात है, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप अपने चीज़ों को अपने आप तक समेट के रखते हैं ना कि आपने मेहनत क्या करना है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके विजन्स क्या हैं, दूसरों को मत बताइए भाई, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आस पड़ोस के लोग पूछते हैं ना यहाँ पर, हाँ पढ़ाई करते हो क्या, नहीं यार पढ़ाई कहाँ करते हैं, घूमते हैं दिल्ली में, यहाँ पे साइड माइड बिजनेस करते हैं, होटल में पार्ट टाइम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है। वही वाली बात है कि मतलब पता नहीं चले, अपने रिजल्ट से उसको अचंभित करो, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, पता है क्या है, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ जाती हैं। अगर मान लीजिए कि आपने कह दिया कि हाँ हम ऐसे की तैयारी करते हैं, वो आपको पीछे करने में लग जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना विजन बताएंगे ही नहीं ना किसी को, कोई घंटा आपको पीछे कर पाएगा, ठीक है। ट्वेल्थ में जब हम रहते थे तो जो हमारे रूममेट्स थे, जो हमारे दोस्त थे जिनके साथ हम रह रहे थे, ठीक है तो जो हमारे दोस्त थे उन जिनके साथ हम रह रहे थे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता था कि एक तरीके से अगर हम बात करें तो उनको बड़ी शर्त होती थी कि यार ये इतना ज़्यादा क्यों पढ़ रहा है, ठीक है, इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, इनके ये आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी वो मेरे साथ होंगे ना, मैं उनको कोशिश करूँगा यहाँ पर ये दिखाने की मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो घूमता हूँ यार, ठीक है। मैं सबसे ज़्यादा मेरी पूरी क्लास में मैं सबको ये दिखाता था कि यार मेरे से ज़्यादा घूमने वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मैं आज यहाँ पर गया घूमने, मैं आज वहाँ पर गया घूमने, मेरी तो 3-4 गर्लफ्रेंड्स हैं, सबसे बात करते रहता हूँ, दिन भर तो मेरा टाइम इसी में निकल के चला जाता है। मैं 1% भी यहाँ पर जो अपने आप को शो नहीं करूँगा, पढ़ने वाला हूँ, लेकिन जब सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होंगे उसमें टॉप 3 में मेरा हमेशा मार्क्स रहता था, हमेशा रिजल्ट रहता था। इसीलिए कभी भी आप क्या कर रहे हैं अपने प्लान के बारे में मत बताइए, छोड़ दीजिए भाई, सीधा भौकाल मचाएंगे अपने रिजल्ट से। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो अपने तैयारी के बारे में अपने रूममेट तक को मत बताओ, किसी को मत बताओ, अपने दोस्तों को मत बताओ, पड़ोसी को मत बताओ, रिश्तेदार को मत बताओ। इनफैक्ट घर भी जाओ ना, कोई पूछे यहाँ क्या कर रहे हो, अरे घूमते हैं यार, और कुछ नहीं करते हैं दिल्ली में। और सीधा जिस दिन यहाँ पे सीजल का रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब आपके नाम के आगे एक्साइज इंस्पेक्टर देखेंगे, बोलेंगे अरे बाबर इनका लड़का तो तोफ निकला, वही दिखाना है, ठीक है। अभी नहीं दिखाना उन्हें कुछ, शांत रहना अभी। तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।